वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। हो रहा है शाम का 3 बज रहा है दोपहर का, 3:30 हो रहा है और मैं ब्लॉगिंग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला और कल का वीडियो था जो मुझे एडिटिंग भी करना था तो इसीलिए नहीं कर पाई। हो गया स्टार्ट और ये देखिए आज भी गाड़ी नहीं निकला यही है, पर सासू माँ का चेयर निकालने के बाद निकाल दिया गया था ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो यहाँ आ गई किचन में, देखिए मुझे लगा है भूख। मैं खाऊंगी खाना और मेरी बेटी भी खाएगी। हम क्या खाने वाले हैं आज वो दिखाऊंगी आप लोगों को और बने रहिएगा शाम के ब्लॉग पे, अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये रहा चावल, ये रहा चावल, इसमें डालूंगी पानी। उड़ीसा का फेवरेट चीज है ये, उड़ीसा का मेन चीज जिसको पखाल कहा जाता है और हमारे बिहार में भी ये खाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे है, हमारे बिहार में खाया जाता है इसको पानी भात बोल करके। पर ये हमारे बिहार के लोग अगर देख लेंगे तो शिकायत करेंगे कि क्या खा रही है, ये अच्छा चीज़ नहीं खा रही है और सोशल मीडिया पे दिखा रही है। ये है अचार, नमक डाली और ये अचार। इसके साथ में कुछ भी आप लोग खा सकते हैं, मैं लूंगी मीठा चटनी। आ गया हमारा खाना, मीठा चटनी, प्याज। प्याज आप लोगों को पता ही होगा शायद, प्याज बहुत अच्छा चीज़ है। प्याज अभी गर्मी के दिन में क्योंकि लहर चलता है, गर्म हवा चलता है उसमें, इसको खाने से लहर नहीं लगता है, इसलिए ये बहुत अच्छा चीज़ है, अभी खाना चाहिए। खाओ, मेरी बेटी नहीं खाती है। ए चेंज करो, तेरा कटोरा ये है। और हम और मेरी बेटी खाने लगे और आजकल मैं ज़्यादातर पखाल भात ही कर देती हूँ, मतलब पानी भात ही कर देती हूँ क्योंकि पेट ठंडा रहता है, यही खाना चाहिए। पूरा उड़ीसा इसी चीज़ को खाता है। तो यहाँ हो गया है खाना पीना हमारा, बर्तन इकट्ठा करके छोड़ दी पानी डाल के फूलने के लिए। और यहाँ काट रही हूँ लौकी काट रही हूँ। आज बनाऊँगी लौकी और चना दाल का सब्जी मिला करके, थोड़ा सा प्याज और मसाला थोड़ा सा दूंगी, बहुत कम। गर्मी दिन है, जितना ज़्यादा तेल मसाला कम खाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड छुट्टी मार लिए हैं क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में खाना ऐसा नहीं देती हूँ जो उनको ख़राबी करे, पर पता नहीं गर्मी की वजह से कि क्या ऐसे उनका तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गया है। खैर कोई बात नहीं। और यहाँ बना रही हूँ लौकी की सब्जी और जब सब्जी छौंक दूंगी, टाइम देखती हूँ 3:30 के करीब में मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ, सब्जी छौंक देती हूँ, उसके बाद से साइड में मैं बर्तन धोते रहती हूँ या फिर सफाई जो भी करना होगा मैं सब्जी बैठा करके ही करती हूँ ताकि मेरा रात का काम हो जाए। और मैं जब निकलती हूँ शाम को तो लेट हो ही जाता है, हंसी मजाक इधर उधर घूमना फिरना तो हो ही जाता है। तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ, अपना रोटी भी बना लेती हूँ सासू माँ के लिए, उसके बाद ही मैं निकलती हूँ। तो ये है प्याज भी काट लूँगी। चलिए बज गया है 4 और 4 बजे मैं लग गई अपने काम में। यहाँ बैठा दी कुकर, कुकर हो गया गरम, उसमें डाली सरसों तेल 2 चम्मच ज्यादा नहीं और यहाँ डाली पंचफोरन और लहसुन, भुट्टा लहसुन को छील करके डाल दी, तेज़पत्ता डाली, प्याज डाली और इन सबको गोल्डन ब्राउन करूँगी। और गोल्डन ब्राउन करने के बाद से इसमें डालूँगी कुछ मसाले, इसमें डाली ग्रीन चिली।
आप कुछ भी डाल सकते हैं, पर जहाँ तक मैं तो कहूँगी कि ग्रीन चिल्ली ही खाइए, रेड चिल्ली ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ख़राबी करता है। और जैसे गर्मी का दिन है तो उसको लेकर के सोच के चलिए कि गर्मी दिन है, ये सोच करके गर्मी दिन है, मसाले और तेल इग्नोर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इग्नोर कीजिए। तो ये रहा मसाले, मेरा भुन रहा है और मसाले भुनने के बाद थोड़ा सा पानी डाली क्योंकि मसाले सटने लगे थे। तेल आप लोगों को दिखा कि तेल कम में डाली, तो यहाँ डाली एक टमाटर काट के डाल दी। मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन गया था तो इसमें डालूँगी अब लौकी। लौकी को भी डाल करके अच्छी तरह से चलाऊँगी और चना दाल डाल करके सीटी लगा दूँगी। इसमें डालूँगी थोड़ा सा गर्म मसाला या फिर जो भी आप मसाले यूज़ करते हैं, जो आप और बर्तन वगैरह भी धो ली। बर्तन धोने के बाद मैं झाड़ू लगाई और थोड़ा सा सुबह भी शाम को भी पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ गई थी मैं घूमने शाम को, ये है सोनम और सोनम का दुकान है, तो सोनम की दुकान में हम इंजॉय कर रहे थे, हंसी मजाक हमारा ही वीडियो बन रहा था, इस तरह से हो रहा था। देखिए मैं भी हूँ और ये है अनु, जो सामने दिख रही है वो है अनु। जिंदगी है, हंसते बोलते बीत जाना चाहिए। विदाई लेने आ गई, आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और ये है, यहाँ साड़ी रखी हूँ फॉल्स लगाने के लिए, और मेरा खाना पीना भी बन चुका है, बस गरम गरम बैंगन का भाजा भूजूंगी जब हस्बैंड खाएंगे। और आज इनका छुट्टी है, छुट्टी नहीं है, छुट्टी लिए हैं क्योंकि इनका एसिडिटी हो गया है, पेट में थोड़ा दर्द हो गया, उसके लिए इन्होंने छुट्टी लिया है। तो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।